सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हम रफ़ी साहब के नगमों के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो सारी दुनिया जानती है, उनके चाहने वाले जानते हैं, संगीत प्रेमी भी जानते हैं। और एक उन एक दिल इंसान थे, एक फरिश्ता थे, अपने गीतों से धरती पर पैगाम देने आए थे। मगर आज उनकी स्पेशल चाय के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा। उनका फेवरेट था लजीज खाना और पतंग उड़ाना और चाय। अब चाय के बारे में आपको बताऊं, उनकी बहुत ही स्पेशल चाय हुआ करती थी, जो फाइव स्टार होटल में भी नहीं मिल सकती है। क्योंकि अब आपको थोड़ी सी रेसिपी के बारे में जानकारी करता हूं। दूध को उबालते थे, अंदर दालचीनी डालते थे, थोड़ी सी इलायची डालते थे और दूध को खूब उबालते थे, और बाद में गुलाब जल डालते थे। हम लोग सब पानी डालते हैं, मगर ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इसलिए हमें पता चला कि रफ़ी साहब की आवाज़ से हर फूल की खुशबू आती थी, और उबालने के बाद वो चाय के अंदर थोड़ा सा खड़ा नमक का टुकड़ा डालते थे और थोड़ी सी शक्कर, और वो चाय इतनी लजीज हुआ करती थी कि जब वो रिकॉर्डिंग में जाते थे तो हर संगीतकार कहते थे कि रफ़ी साहब हमें थोड़ी सी चाय दीजिए, और वो प्रसाद समझ कर सबको बांटते थे। ऐसी चाय दुनिया में 7 अजूबे हैं, रफ़ी साहब 8वें अजूबे थे, पर उनकी चाय भी अजीब थी। नमस्कार।